फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और शुरुआत करते हैं जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो सांसद पप्पू यादव के साथ, जिन्होंने एक बार फिर से कहा है कि सवर्णों के भारत बंद के दिन मुजफ्फरपुर में उनकी हत्या तय थी। इस साजिश में मुजफ्फरपुर की एसएसपी भी शामिल थी। अब एसएसपी दूसरी जगह का वीडियो दिखाकर घटना से इनकार कर रही है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सोमवार को विपक्ष के भारत बंद में शामिल होगी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि अगर वे मुजफ्फरपुर में नियंत्रण खो देते तो उनकी हत्या तय थी। इसके गवाह उनकी सुरक्षा में तैनात सरकारी सुरक्षा बल के जवान है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर उन पर हमला नहीं हुआ था तो एसएसपी ने हमले के आरोप में दो लोगों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया है। 15 दिन के अंदर न्यायाधीश महोदय से जांच हो, एसपी ने बरगलाया, दिग्भ्रमित किया समाज के लिए कि वो चंद्रहट्टी का फोटो था, उसको खपड़ा कर दिया। इस पर ऊपर 2 करोड़ रुपए का मुकदमा करेंगे, क्योंकि इससे मेरी प्रतिष्ठा छिनी हुई है। और जेएनयू के प्रवक्ता ने जो नौटंकी और सबसे ज्यादा पेट में दर्द आरजेडी, जो खुद पूरी पार्टी पूरी परिवार ही नौटंकी का है, नौटंकी के आधार पर ही राज किया है, बार-बार नहीं पकड़ा है, तब भी हत्या की साजिश, बाप का सेहत सुरक्षित तब भी हत्या की साजिश वोट लेने के लिए। पप्पू यादव इतना कायर और कमजोर नहीं है। मैं रोया इसीलिए कि मैं जाति का कोई काम नहीं करता हूं, इसलिए नहीं रोया कि मैं कायर हूं या किसी से भीख मांग रहा हूं। जान के खतरे को ये लोग नाटक बता रहे हैं, जान के खतरे और मारने की साजिश को नाटक बताता है। इन लोग का ये लोग बहुत बड़े हीरो बनते हैं। मैं सीमानंद जी से कहूंगा कि पंडित रामानंद तिवारी के सम्मान को मत खोइए और सबको एक घाटी में मत घाटिए। और नीरज कुमार बाहर से मैं कहूंगा कि नीरज जी, सबको लालू जी और लालू जी फैमिली पार्टी मत समझिए। मैं आप जैसे कितने नीतीश कुमार के संरक्षण में रह करके बहुत बहादुर मत बनिए, टिटी के तरह आकाश हम ही टेक लेंगे। एक बार सत्ता पक्ष से निकल करके देखिएगा नीरज जी और आलोक जी, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं। आलोक रंजन हर दिन लूटते हैं मेडिकल में और पत्थर फेंकते हैं, इसलिए ज्यादा पत्थर मत फेंका करिए। और मैं चोट पहुंचा है इसीलिए मैं बताता हूं इनको मानहानि। और 14 तारीख तय है पप्पू यादव की इन बेईमान और बलात्कारियों के खिलाफ जंग। बिहार सरकार ने शराब के खिलाफ एक मुहिम के तहत शराबबंदी का एक बिहार में अभियान चलाया था। बिहार में शराबबंदी को पूरे 3 साल होने को है, लेकिन शराब माफिया बिहार में शराब को लाने के नए नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। कभी कुरियर तो कभी कॉस्मेटिक आइटम के डब्बे में, तो कभी दवाइयों के डब्बे के बीच छिपाकर। लेकिन रविवार को अहले सुबह पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र इंटर काउंसिल एक लावारिस कार में 3 बोरों में बंद हजारों पाउच देशी शराब बरामद की गई है। लेकिन इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी से इस शराब को गंतव्य स्थान पर पहुंचाना था उस गाड़ी पर सेंट्रल पुलिस लिखा हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि अब शराब माफिया पुलिस लिखी गाड़ियों को भी शराब तस्करी के लिए उपयोग कर रहे हैं? फिलहाल कोतवाली थाना अध्यक्ष पूरे मामले की जाँच कर रही है और गाड़ी के मालिक की तलाश की जा रही है। भारतीय मित्र पार्टी की ओर से पटना के हिंदी साहित्य अकादमी में साहित्यिक और सामाजिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की सेवा करने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस सम्मान समारोह में पत्रकार के अलावा कई समाज सेवी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने कहा कि समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का काम करने वाले पत्रकारों का दमन नहीं होने देंगे। आज भारतीय मित्र पार्टी ने साहित्य, सामाजिक एवं पत्रकारों को सम्मानित करने का जो काम किया है, वो इसका मुख्य उद्देश्य है कि साहित्य का, सामाजिक का और पत्रकारों का इस देश के अंदर, समाज के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो हमारी आज़ादी की लड़ाई हो। आज कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इसको भूल गए हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ में नील हो गए हैं। इसीलिए भारतीय मित्र पार्टी ने
ये सामाजिक साहित्य और पत्रकारों को सम्मान करने का कार्य किया है और प्रत्येक 9 सितंबर को हर वर्ष भारतीय मित्र पार्टी पत्रकारों को, साहित्यकारों को और जो समाज में बिहार के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का हर वर्ष काम करेगी। आज के युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद द्वारा बिहार क्लब में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागी को 4 चरणों के प्रतियोगिता से गुजरना पड़ा, जिसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम, उसके बाद एक लोकगीत और उसके बाद एक सांस्कृतिक गीत और हिंदी गीत वाद्य यंत्रों के से गाकर सुनाया, जिसके बाद बेहतर प्रस्तुति प्रस्तुत करने वाले दल का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। और यह प्रतियोगिता मुख्यतः बच्चों में जनमानस में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष, और यह यहां से जो प्रथम स्थान प्राप्त दल हैं वो हमारे प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में जो विजय होंगे वो हमारे क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और क्षेत्रीय स्तर की जो विजयी टीम होगी वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगी। बेतिया में चौपाल से उठी आवाज, रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, हजारों लोगों ने चौपाल लगाकर 2019 के चुनाव को बाय बाय कर दिया है। दरअसल 5 पंचायत को जोड़ने वाली सड़क साठी परसा आजादी के पहले से जिस तरह से है वो आज भी उसी हालत में अपना रोना रो रही है। इस सड़क के लिए कोई सांसद या कोई विधायक ने अपना फंड इस्तेमाल ही नहीं किया है, बल्कि सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, जिससे क्षुब्ध होकर हजारों लोग सड़क पर खड़ा होकर कहने को मजबूर हो गए हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं। पटना के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित कुमार, जो कि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद का रहने वाले हैं, जिसने अपना निजी क्लिनिक सरिस्ताबाद में ही खोल रखा है, शनिवार को क्लिनिक पर एक व्यक्ति आ पहुंचा और अपने आप को ICICI का एजेंट बताने लगा और डॉक्टर रोहित से कहा कि आपकी बीमा योजना का टाइम खत्म हो गया है और उसे रिन्यूअल करवाने के लिए करीब 1 लाख रुपए की मांग करने लगा। डॉक्टर ने वेबसाइट पर जब चेक किया तो पता लगा कि उन्होंने इस तरह की कोई बीमा योजना नहीं ली है। तभी डॉक्टर रोहित ने गर्दनीबाग थाने में फोन कर पूरे मामले की सूचना थाना अध्यक्ष को दी और बताया कि कोई फर्जी बीमा एजेंट उनके क्लिनिक में आ पहुंचा है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उस फर्जी एजेंट को मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया। वहीं गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि फर्जी एजेंट का नाम राजू कुमार सिंह है और वह आरा जिले का मुख्य निवासी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए फर्जी एजेंट राजू कुमार सिंह को जेल भेज दिया है। बीटा के कई थानों में और भोजपुर के चांदी और कोइलवर थाना अंतर्गत आने वाले कई गांवों में बीते कई दिनों से खुलेआम हजारों नाव से हो रही है बालू की लूट। जी हां, आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि कैसे नावों पर बालू लादकर बिचौलिए ले जाते हैं। आपको बता दें कि मनेर गंगा के रास्ते रोजाना बिचौलिए बालू से नाव भरे ले जाते हैं। अगर आम तौर पर कहे तो पीला सोना की लूट खुलेआम देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को पता नहीं और ऐसा भी नहीं है कि यह काम एक दिन का होता है, लेकिन प्रशासन की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक सजग होती है और अवैध बालू खनन कब तक रोकी जाती है। यह पीला सोना खनन बहुत दिनों से जारी है, परेव गांव से दक्षिण बिंदौल गांव के सामने मतलब 100-150 की संख्या में नाव प्रतिदिन यहां पे आके अवैध खनन हो रहा है। सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रोज प्रतिदिन 100-150 नाव से यहाँ पे अवैध खनन के रूप में बालू निकासी किया जा रहा है। नहीं बढ़ा है तो परेव पुल से दक्षिण एक बिंदौल गांव है, उस हम लोग बिंदौले गांव के हम लोग लड़का हैं, और 5 बजे से लेकर के या 6:30 बजे तक अवैध खनन नाव से किया जा रहा है, और ये 6:30 के बाद ये लोग आउट हो जाता है। ये रात में भी यहाँ भोर से ही नाव पहुँच करके और अवैध खनन ये 8-10 दिन से ऐसा हो रहा है, और जिसके चलते अवैध खनन के लेके कई बार यहाँ घटना भी हो चुका है। इसलिए इस पर न प्रशासन का ध्यान है
न सरकार का ध्यान है। रविवार को बिहटा अमहारा स्थित NSIT इंजीनियरिंग कॉलेज में भारतीय किसानों की दशा और दिशा पर परिचर्चा सह किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें NSIT इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। किसानों की दिशा तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि 3 लाख से ज़्यादा अधिक किसानों ने आत्महत्या की। शेष तो किसानों की दुर्दशा इतनी ही है कि बिहार में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके पीछे कुछ ना कुछ पूरक आमदनी की व्यवस्था यहाँ के किसानों ने किया है। देखें, किसान जहाँ सुसाइड कर रहा है उसे देखना होगा कि ऐसा नहीं वो इतना एम्बिशियस हो गया, इतना लोन ले लिया जो उसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, उसका सॉयल ठीक नहीं था और उसको घटा लग गया। इसलिए दोनों चीज़ें सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, मदद देना चाहिए, लेकिन एक ये व्यवस्था होना चाहिए कि किसान को पता हो कि उसे क्या उपजाना चाहिए। दानापुर के गंगा नदी में हजारों की संख्या में महिलाओं ने कूस अमावस्या के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाई और कूस से बने सूप का दान कर सुख और शांति की कामना भी की। आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कूस गृहिणी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव होता है, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए दान पुण्य का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन कूस से पूजा की जाती है। क्या चीज पूजा में? भादो अमावस्या के कूस दान होता है, चटाई दान होता है, पूजा पाठ करता है। क्या मान्यता है इस पूजा का? पूजा का माना जाता है कि साल के भादो के महीना में अमावस के दिन के कूस दान करो जाता है, चटाई दान करता है, पूजा पाठ करता है, गंगा जी स्नान करते हैं। आज भादो का महीना अमावस्या तिथि है, इसमें कुशी अमावस्या जो है, कुशी अमावस्या का दान जो है सफल माना गया है। सभी माता बहन जो है आकर के गंगा के घाट पर स्नान कर करके और ब्राह्मण को दान करते हैं और सबका कल्याण होता है। हाजीपुर में बिहार पुलिस ने लुटेरों के एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जिसने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश में कई बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरों के गैंग के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में सोने और हीरे के जेवरात और लाखों के कैश के साथ यूरो और डॉलर जैसी विदेशी करेंसी भी बरामद किए हैं। डकैतों का यह गैंग विदेशों में रहने वाले NRI और डॉक्टरों के घरों को निशाना बनाता था। वहीं इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि गैंग में शामिल पटना का रहने वाला एक लुटेरा अपनी बेटी के महंगे फीस को भरने के लिए डकैतों के गैंग में शामिल हुआ था। मुजफ्फरपुर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना में 5 जगह पे हुआ, रूपसपुर में, राजीव नगर में हुआ, अगमकुआ में हुआ, बख्तियारपुर में हुआ। तो टोटल 9 इन्होंने स्वीकार किया है और इसमें टोटल 4 इनके मेंबर पकड़े गए हैं। चारों पटना जिला से संबंधित हैं। एक का नाम कृष्णा कुमार है जो कि संपत चक का है, एक का नाम राम किशोर है जो कि पटन देवी गुलजार बाग का है, एक मुन्ना यादव है और एक है आपका कुंडा जिसका असली नाम रोशन कुमार है जो कि बख्तियारपुर का है। मान लीजिए कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या फिर जो वीज़ा वाले हैं, 5-5, 6-6 महीने वो विदेश में रहते हैं, फ्लैट पीछे खाली रहते, तो इनका यही कहना है कि हम लोग कुछ फ्लैट्स में भी हाथ साफ करते थे तो वहाँ से इन लोगों को मिला है, लेकिन अभी वो केसेस प्रतिवेदित नहीं हुए क्योंकि अभी वो लोग ओनर्स हैं, वापस नहीं आए हैं। क्या वो पहले भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है? तो इस पर इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यही बताया है कि उसने अपनी बेटी का एडमिशन एक पटना के रिप्यूटेड स्कूल में करवाया था जिसमें काफ़ी खर्चा था स्कूल का, तो खर्चा देने में असमर्थ था, तो इनके साथ संपर्क में आके वो पुनः सक्रिय हो गया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से महात्मा गांधी सेतु के निर्माण को रोक दिया गया है। पटना से सटे तेजसिया में गांधी सेतु के पुनर्निर्माण में जुटी कंपनी का बेस कैंप सहित कंपनी का साजो सामान पानी में डूबता नजर आ रहा है। बढ़ते पानी की वजह से निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनों को निर्माण स्थल से हटाकर NH पर खड़ा कर दिया गया है। चल रहा है कि बंद हो गया है? बंद हो गया है। कितने दिनों से बंद हो गया? 2 दिन से। क्यों बंद हुआ है? पानी आने के लिए, बाढ़ आने के लिए, बाढ़ आया उसी के अभी। तो क्या बाढ़ आने से क्या हुआ ये पानी में? काम बंद हो गया, सामान डूब गया है क्या? सामान सब डूब गया है, किसी कंपनी काम करने के लिए मना किया है,
व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर लगाकर 1092 मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के दिशा निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सुपौल पिपरा प्रखंड के ई किसान भवन में विदाई समारोह आयोजित कर नम आंखों से प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवनाथ चौधरी को विदाई दी गई। उनके बेहतरीन कार्य के लिए उपस्थित कृषक बंधु एवं पदाधिकारी गण जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल राम प्रवेश चौधरी सहित सभी किसान सलाहकारों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवनाथ चौधरी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रो पड़े। सुपौल के छातापुर थाना प्रखंड क्षेत्र के उद्धमपुर पंचायत में हुए महिला के साथ गैंग रेप मामले को लेकर शुक्रवार को छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू पीड़ित महिला से मिलने पहुंच उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं नीरज कुमार ने बताया कि उन्होंने एसपी से बात की और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपने अपने तरह से आरोप लगाते हैं। मुझे घटना की जानकारी हुई, मैं उस इस समय बाहर था और मेरी पत्नी बीमार थी, मैं उनके साथ था। थोड़ा लेट से मुझे जानकारी भी मिली थी। मैं अभी आया हूँ, सारे तथ्यों का पता कर रहा हूँ। जिनका जिनका नाम आया उसी समय मैं पुलिस के द्वारा उसे प्रेशर दे करके मैंने बताया थाना प्रभारी को कि अविलंब गिरफ्तार करिए और इसको जेल भेजिए। और अविलंब जिसका इसका नाम आया, लगभग 5 लोगों का नाम आया था, जो 4 लोग जेल चले गए हैं, 1 लोग जो जेल नहीं गए हैं, मैं उन पर फिर एसपी से बात करता हूं और अविलंब गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके यहां कुर्की निकाला जाएगा, उसका घर तोड़ा जाएगा। और भी जो जांच प्रक्रिया है, मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से इस घटना का जांच हो कि और कितने लोग संलिप्त हैं। बेगूसराय में बलिया थाना पुलिस ने 6 चोर की चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बलिया थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने भगतपुर गांव से संतोष कुमार को 5 उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 6 LED टीवी, 9 जिंदा कारतूस समेत कई चोरी का सामान भी बरामद किया है। हम लोगों को लगभग 6-7 दिन पहले लीड मिली थी कि कुछ लोग जो है बलिया के यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ फोटो जो टीवी के या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इनको पकड़ा गया तो देखा तो इनके मोबाइल पे भी था। ये लोग क्या करते थे कि जो चोरी का सामान लिया है उसको पहले कंपेयर करते थे फ्लिपकार्ट पे वगैरह पे कितना प्राइस है, फिर अपने यार दोस्तों में बेचते थे कि इतने पैसे में आप खरीद सकते हैं उस सामान को। इसी के क्रम में हम लोगों को एक निशानदेही भी मिली थी, जिसके बाद एक लड़के के साथ एक LED और उसके फोटोज में जो फोन के अंदर सारे फोटोज भी बरामद हुए। उधर मुजफ्फरपुर के SSP हरप्रीत कौर के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र से मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले का रहने वाला अपहरित व्यवसायी संत बहादुर को सकुशल मुक्त कराया गया है। वहीं 3 अपराधियों को एक लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी हाई स्कूल के परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि कोरियापट्टी में स्कूल परिसर में लोगों को बताया गया कि सड़क NH और SH जाम करने वाले व्यक्ति पर सख्त से सख्त धाराएं लगाकर FIR दर्ज की जाएगी और साथ ही यह भी कहा कि कानून को अपने हाथों में ना ले, किसी भी मामले को लेकर सड़क को जाम नहीं करे, पदाधिकारी से मिले, त्वरित कार्रवाई की जाएगी और समाज में आपस में ना उलझे बल्कि भाईचारा बनाकर रखे। लगातार बढ़ रहे अपराध और विपक्ष के हमले से बौखलाए सत्ता पक्ष ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख है और वो अपराध के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस के चरित्र को किसी भी सूरत में खराब होने देना नहीं चाहते, वो भी तब जब चुनाव सर पर हो। यही कारण है कि पुलिस को शायद फ्री हैंड दे दिया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और IG DIG तक AC चैम्बर से निकलकर सड़कों पर गश्ती कर रहे हैं। इसी क्रम में बीती मोकामा के घोसवरी थाना ने एक संदिग्ध बाइक सवार को गश्ती के क्रम में देखा, जो पुलिस को देखते ही गाड़ी घुमाकर वहां से भागने लगा। हालांकि पुलिस ने उसे धर दबोचा, लेकिन
फिर जब वो उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर से एक एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि दोनों हथियार तस्कर हैं। दोनों के आपराधिक इतिहास खंगालने के साथ ही पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि इनके सरगना तक पहुंचा जा सके। विपक्ष के हमले के बाद मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख हैं। विपक्ष के लगातार हमले आपराधिक मामलों को लेकर, जिस तरह से बिहार में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बार फिर से तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं, पहले की तरह नजर आ रहे हैं, और उसका असर देखने को मिल रहा है। जब पटना में आईजी और डीआईजी तक पुल पर कैंप कर रहे हैं, जहां तहां घूम रहे हैं और खुद से निरीक्षण कर रहे हैं। कहां से आ रहे थे आप लोग? मालपुर से। ये हथियार लेके कहां घूम रहे थे? लेके मतलब कोई वारदात की अंजाम थी क्या, कोई योजना थी क्या? तो ऐसे ही कोई क्यों हथियार लेकर घूमेगा? जा रहे थे सर। हथियारे लेकर आजकल घर चलते हो? कैसे पकड़ाया हथियार? दे दिया। क्या काम था तुमको हथियार लेकर घूमने का, क्या जरूरत थी? रास्ता में हुई है, हम लोग सभी आदमी पैना घाट पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल जो है काला रंग का, वो पैना की ओर से आ रही थी। पुलिस गाड़ी और हम लोगों को देखकर पुनः वो रिटर्न होकर भागने लगा। हम लोग को शंका हो गया किस कारण से वो भाग रहा है। तो पुलिस वाला गाड़ी से साथ जो है पीछा करने के बाद इसको पकड़ने के क्रम में वो भागने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी पुलिस बल के सहयोग से दोनों आदमी को पकड़ लिए। और क्या बरामदगी हुई है दोनों से? उन लोग के चेक किए तो चेक करने के क्रम में जो है दोनों के कमर से बाएं तरफ जो है वही कट्टा जो है देसी कट्टा लोडेड दोनों के से। हाँ, दोनों के पास से लोडेड कारतूस भी बरामद। हाँ, कारतूस नहीं लोडेड था, बाकी बस और लोडेड था, मतलब एक एक जिंदा कारतूस जिंदा कारतूस था। इसका असर पूरे बिहार में ये एक मैसेज जा रहा है, जिसके कारण हर थानेदार सक्रिय है अपने अपने क्षेत्रों में और उपलब्धि भी मिल रही है। फिर चाहे वो कोसी का आतंक माने जाने वाला मोती यादव हो, दो दिन पूर्व गिरफ्तार हुआ मराची से लोडेड पिस्टल के साथ दो अपराधी हो, जीआरपी हथिदा के द्वारा गिरफ्तार किया गया अपराधी हो, या फिर AK-47 की बरामदगी हो मुंगेर से, पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है और अब सुशासन का असर दिखने लगा है। कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रवि शंकर मुकामा। मन में जुनून और संकल्प हो तो बिना पंख के भी हौसलों के दम पर आसमान की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। ऐसा ही जमालपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव की 12 वर्षीय खुशी राज लड़कियों पर हो रहे अत्याचार का मुकाबला करने और आत्मरक्षा करने की जिम्मा ली है। वहीं बॉक्सर खुशी राज जिला प्रशासन सहित स्वयं सेवी संस्थान ने उसे सम्मानित भी किया है। आगे मेरे मेरे मामा से आए, मेरे कोच से, आगे भी मेरे मामा ही मेरे कोच से। इनका नाम है अभिषेक यादव, वो मेरे मामा भी हैं और कोच भी हैं। जा चुके हैं हम राजस्थान जयपुर में खेले इंटरनेशनल, और हरियाणा में खेले हैं नेशनल, और पंजाब खेले हैं जिला, और भी खेले हैं, और आगे हम 2020 में ओलंपिक खेलेंगे। अभी सरकार से चाहते हैं मेरी मदद करें और मैं आगे खेल और मेरे पर ध्यान दे और जो मेरे जैसे बच्चे उनके ऊपर भी ध्यान दे। खुशी जो है 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम प्रैक्टिस करती है, और इसका मिशन है कि ओलंपिक खेले, और ये पहला जो है ना MP में जिला लेवल खेली थी, फिर स्टेट, फिर नेशनल हरियाणा में, फिर इंटरनेशनल राजस्थान में खेले थे, और नेपाल, भूटान और पाकिस्तान फाइनल में मैच ये जीती गोल्ड मेडल, और इसका मिशन है ओलंपिक 2020 खेलना। मसौढ़ी के पंचायत समिति की बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख, उप प्रमुख, BEO, कार्यक्रम पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां रामकृपाल यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा और हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, गांव का विकास, और वो आप सबों के साथ के बिना नहीं हो सकता। वहीं इस मौके पर सभी गांव के लोगों ने कदम से कदम मिलाकर चलने की बात भी कही है। तो
जानकारी। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।